जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग बताइए राधे राधे भाई राधे राधे सभी को राधे राधे कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं मजे में हैं स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं चलिए बहुत शानदार बढ़िया आप लोग बताओ भाई गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग 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 सभी के सभी लाइव हैं कुल मिलाकर एक ग्यारह सवाल जो है वो हम लोगों ने कर लिए थे और उसके बाद अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर बारह से आगे बढ़ना है और बारह से आगे मेरे भाई सभी सवालों को करना है ठीक है तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि कल का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे पाइप एंड सेशन के सवाल आते हैं किस तरीके से हम उसे टैकल कर सकते हैं किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं ठीक है भाई गुड इवनिंग सभी को बिल्कुल आ जाइए एक बच्चा तब से कह रहा है यहाँ पे और क्या कह रहा है थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर वन में क्या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और पता नहीं बेचारा क्या बोल रहा है थोड़ा एक बार देखा जाए तो सर क्वेश्चन नंबर वन टू में एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई तुम्हारा कमेंट बहुत तेजी में भाग रहा है मोहित पाठक करके कि क्वेश्चन नंबर वन टू में x इंटू वाई एक्स प्लस वाई कंसेप्ट लगा सकते हैं हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं जहाँ पर भी कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है पॉजिटिव सेंस में मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है तो वहाँ पर एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई का कंसेप्ट लगा के भी आंसर लेकर हम आ सकते हैं कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई ठीक है चलिए आ जाइए बहुत शानदार तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह तक हम लोगों ने सभी सवालों को कर लिया था और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर बारह से बढ़ना है तो क्वेश्चन नंबर बारह एक बार पढ़िए आप लोग क्या कहा गया चलिए मेरे भाई यहां पे कैसे हैं? आप लोग बढ़िया ना तो क्वेश्चन नंबर बारह को पढ़िए और यहां पर आज जो है हम क्वेश्चन नंबर बारह से आगे बढ़ेंगे और सभी सवालों को देखेंगे क्या कहा गया तो कहा गया पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः एक घंटे और दो घंटे में भर सकते हैं लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को एक घंटे पंद्रह मिनट में खाली कर सकता है ए और सी को एक साथ सुबह नौ बजे चालू किया जाता है तो दो घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है और बी को चालू किया जाता है तो टंकी कब हमारी खाली हो जाएगी अब तक मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों ने जो पढ़ा है वो यहाँ पर आप लोगों ने ये पढ़ा है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई ठीक है सर थोड़ा वॉइस बढ़ा लो ठीक है भाई हम वॉइस बढ़ा लेते हैं तो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भरी हुई टंकी मतलब खाली टंकी को कितने समय में भरा जाएगा ठीक है सर अब भगवान हो मेरे लिए मुझे कुछ नहीं आता था मैथ्स में जीरो के करीब आता था और आज मेरा स्कोर फोर्टी प्लस है चलो बहुत अच्छी बात है भाई अजय भाई बहुत शानदार है यार मेहनत करते रहो आप मैं और ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है एक छोटा सा प्राणी हो छोटा सा इंसान हो जो बस गणित सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को और थोड़ी सी जीवन में अच्छी ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ तो बस मेहनत करते रहो दोस्त यहाँ पे ठीक है थोड़ा मेहनत आप करो थोड़ा मेहनत हम कर रहे हैं बाकी बहुत आगे बढ़ेंगे भाई लोग तो क्वेश्चन नंबर बारह में आप देखिए बारह नंबर सवाल बहुत आसान सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है और इस क्वेश्चन में कहा गया है भरी हुई टंकी को खाली करने की बात की गई है अब तक हम जितने भी देखते हैं वहां पे तो खाली टंकी को भरने की बात की जाती है यहाँ भरी हुई टंकी को खाली करने की बात की गई है तो हम किस तरीके से मेरे भाई टैकल करेंगे जरा वो देखे तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है जरा पढ़ो यहाँ पे तो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन वन आवर एंड टू आवर रेस्पेक्टिवली एंड सी कैन एम द फिल टैंक इन वन आवर फिफ्टीन मिनट यानी अगर हम बात करेंगे तो ए हो गया फिर हमारा बी हो गया फिर हमारा सी हो गया अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे क्या कहा है तो ए और बी जो है मेरे भाई यहाँ पर ए को लगता है ए घंटा बी को लगता है दो घंटा और कहा गया सी कैन एम्पटी द फिल टैंक इन वन आवर एंड फिफ्टीन मिनट अगर हम सी की बात करते हैं तो बोला गया है एक घंटा पंद्रह मिनट एक घंटा पंद्रह मिनट अब ये एक घंटा पंद्रह मिनट मेरे भाई क्या है और कैसे है ज़रा वो देखो तो एक घंटा पंद्रह मिनट के बारे में अगर आप जानोगे तो यहाँ पर एक घंटा पंद्रह मिनट क्या हो जाएगा इसको हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे तो देखो एक घंटा में साठ मिनट होता है और ये पंद्रह मिनट तो साठ और पंद्रह हमारा कितना हो जाएगा तो पचहत्तर मिनट हो जाएगा साठ और पंद्रह हमारा कितना हो जाएगा पचहत्तर मिनट और अगर हम बात करते हैं तो ये पचहत्तर को हम किससे भाग करेंगे साठ से तो पंद्रह से मेरे भाई पाँच बार में और पंद्रह से हमारा चार बार में यानी हमारा फाइव अपॉन फोर आवर यानी हमारा कितना हो जाएगा तो फाइव अपॉन फोर आवर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा इतना रहेगा तो सी की अगर हम बात करेंगे तो सी में हमारा हो जाएगा फाइव अपॉन फोर आवर ठीक है कितना हो जाएगा फाइव अपॉन फोर आवर मेरे भाई हो जाएगा यहां पे इस बात को ध्यान रखना है तो साठ मिनट और पंद्रह मिनट कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए तो कुल मिलाकर हमारे हो गए पचहत्तर मिनट ठीक है और ये पचहत्तर को यदि हम साठ से भाग करते हैं घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो फाइव अपॉन फोर हो जाता है ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे अगर हम यहाँ एल्सियम लेते हैं तो एल्शियम ज़रा देखेंगे यहाँ पे तो एल्सियम हमारा कैसे होगा वो ज़रा बताओ तो एल्सीयम की अगर हम बात करते हैं तो एक का दो का और पाँच का एल्सियम हमारा कितना होगा तो दस होगा दस को एक से भाग करेंगे तो दस हो जाएगा दस को दो से भाग करेंगे तो पाँच हो जाएगा और दस को हम इससे भाग करेंगे तो कितना होगा तो दस को मेरे भाई अगर हम फाइव अपॉन फोर से भाग करेंगे दस को यदि हम फाइव अपॉन फोर से मेरे भाई भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा तो बोलेंगे फाइव यहीं रहेगा फोर हमारा ऊपर चला जाएगा मेरे भाई यहाँ पर फाइव यहीं रहेगा नीचे और फोर हमारा कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे पांच से काटेंगे दो बार में तो हमारा कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई तो आठ हो जाएगा क्लियर है ये यह बात यहाँ कहीं कोई परेशानी की बात है तो आप हमें बताइए ठीक है तो ये ए हो गया ये बी हो गया और ये सी हो गया तीनों के आधार पर हमने एलसीएम लिया तो इतना आ गया ए की क्षमता इतनी निकल कर आ गई बी की क्षमता इतनी निकल कर आ गई सी की क्षमता हमारी इतनी निकल कर आ गई और सी खाली करने वाला टंकी है तो हमने यहाँ माइनस एट लिख दिया अब क्वेश्चन में क्या कहा गया वो लाइन को आप पढ़िए तो बोला गया एंड सी आर टर्नड ऑन टुगेदर एट नाइन एम आफ्टर टू आवर ओनली ए इज़ क्लोज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो सुबह के मेरे भाई नौ बज रहे हैं और नौ बजे किसको खोला गया है तो बोला गया है नौ बजे ए और सी को खोला गया है ए एंड सी आर टर्न ऑन टूगेदर एट नाइन एम यहाँ पर तो यहाँ पर नौ बजे किसको खोल दिया गया तो ए और सी को खोल दिया गया है ठीक है और फिर कहा गया आफ्टर टू आवर ओनली ए इज़ क्लोज एंड बी इज़ टर्न ऑन यानी इन लोगों ने मिलकर कितने देर काम किया तो इन लोगों ने मिलकर दो घंटे काम किया है नौ बजे सुबह में ए को और सी को दोनों को खोल दिया जाता है और दो घंटे के बाद यहाँ पर एक को बंद करके दूसरे को खोला जाता है यानी इन लोगों ने मिलकर कितना घंटा काम किया तो दो घंटा काम किया उसके बाद यहाँ पर जब ये दो घंटा इन लोगों ने काम कर लिया मेरे भाई जब एक ग्यारह बज गया पर्टिकुलरली तो ग्यारह बजे की कहानी यहाँ पर क्या है तो ग्यारह बजे की कहानी आफ्टर टू आवर ए इज़ क्लोज ए को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर मेरे भाई बी को चालू कर दिया गया और सी हमारा पहले भी चालू था सी हमारा अब भी चालू है तो ए इज़ क्लोज एंड बी इज़ टर्न ऑन वेन विल द टैंक बी एम टी तो यहाँ पर ये लोग मेरे भाई टी घंटे काम करते हैं और टंकी हमारा क्या हो जाता है तो टंकी हमारा खाली हो जाता है एम हो जाता है टंकी हमारा कितना हो जाता है तो एम हो जाता है ठीक है ये बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा सा सवाल यहाँ बन जाता है एमपटी वाला केस हमारा यहाँ पे अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं देखो जब यहाँ पर टोटल वर्क आता है जब हमारी टंकी भरती है तो हम यहाँ टोटल वर्क के बराबर वैल्यू को लेते हैं लेकिन आज हमारी टंकी खाली हो गई है तो टंकी खाली हो गई तो खाली टंकी का मतलब कितना काम मेरे भाई तो खाली टंकी का मतलब शून्य काम ज़ीरो काम इस बात को ध्यान रखना है ये मेरा अपना कंसेप्ट है पढ़ाने का ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का जब हमारी टंकी भरेगी तो हम टोटल वर्क लेंगे और जब टंकी खाली होगी तो हम यहाँ ज़ीरो लेंगे तो हमने यहाँ पर कहा कि दो दिनों तक या दो घंटों तक दोनों ने मिलकर काम किया ए दस काम करेगा देखो दो घंटे तक ए हमारा दस काम करेगा तो हमारा सी कितना खाली करेगा तो आठ खाली करेगा उसके बाद मेरे भाई टी घंटे तक जो है यहाँ पर बी हमारा पाँच भरेगा तो ये हमारा आठ खाली करेगा और ये एम का मतलब कितना हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा तो अगर हम देखते हैं तो दस में से आठ गया दो और दो इंटू दो हमारा कितना हो जाएगा तो चार हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमारा कितना होगा तो बोलोगे सर पाँच में से आठ गया माइनस तीन माइनस तीन को टी से गुना किया तो ये हमारा इतने के बराबर हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये थ्री टी को आप उधर लेकर जाओ तो बोलोगे सर फोर बराबर कितना है तो थ्री टी है और अगर फोर बराबर थ्री टी है तो फिर उसके बाद तीन से भाग कर दो तो बोलेंगे सर फोर अपॉन थ्री जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके तो फोर अपॉन थ्री जो होगा वो बराबर होगा हमारे टी के फोर अपॉन थ्री हमारा बराबर होगा किसके तो फोर अपॉन थ्री हमारा बराबर होगा मेरे भाई टी के अब यहाँ पर इतना घंटा तो हम यहाँ पर जो टी की वैल्यू की बात करेंगे तो फोर अपॉन थ्री को हम क्या लिखेंगे देखो आप यहाँ पर क्लियर वे में कह सकते हो कि सर टी का जो मान है वो हमारा फोर अपॉन्ट थ्री के बराबर है ये फोर अपॉइंट थ्री को हम लिखेंगे तो ऐसे तीन से भाग करेंगे तो एक बार में एक सही एक बटे तीन घंटा और आपको भी पता है मेरे भाई यहाँ पर ये यह फ्रैक्शन वाला पार्ट हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन वाला पार्ट में मेरे भाई ये जैसे एक घंटा हो जाता है और जो यहाँ फ्रैक्शन है उसको साठ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा तो बीस हो जाएगा तो बोलेंगे सर एक घंटा बीस मिनट एक घंटा बीस मिनट एक घंटा बीस मिनट समझ में आ गया यानी यहाँ पर ग्यारह बजे से एक घंटा बीस मिनट के बाद टंकी हमारी खाली हो जाएगी ग्यारह बजे से एक घंटा बीस मिनट के बाद हमारी टंकी खाली हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे यहाँ ग्यारह बजे से कार्य शुरू हुआ था और उसके बाद एक घंटा बीस मिनट लगा यानी कुल मिलाकर बारह बज के बीस मिनट पर कहानी हमारी समाप्त हो गई ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा तो बारह बज के बीस पी होता है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई डी फॉर देवसेना क्लियर है मेरे भाई यहां पर कोई दिक्कत की बात है ठीक है कोई परेशानी की बात है यहाँ पे तो हम बड़े प्यार से बड़े आराम से बड़े तरीके से यहाँ पर जो है इसका आंसर हम दे सकते थे हमने कहा कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी दो घंटा इन लोगों ने काम किया है उसके बाद यहाँ पर टी घंटा इन लोगों ने काम किया है टंकी हो गई है खाली यानी एम हो गया है मेरा कई काम तो यहाँ पर ये यह पॉजिटिव काम है यहाँ पर ये यह नेगेटिव काम है टी की वैल्यू हमारी फोर ओ आई है फोर ओ को एक सही एक बटे लिख सकते हैं एक को हम

सभी पाइपों को सुबह साढ़े दस बजे एक साथ चालू किया गया क्या। लेकिन ढाई बजे में सी में ढाई पीएम में सी को बंद कर दिया गया यदि टंकी उसी दिन साढ़े आठ पी पर भर गई तो एक्स का मान हमारा क्या है बोला गया पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फोर आवर अगर हम बात करते हैं तो पाइप ए हो गया और पाइप बी हो गया पाइप ए किसी टंकी को सोलह घंटे में भर सकता है मेरे भाई यहाँ पर और पाइप बी जो है वो टंकी को चौबीस घंटे में भर सकता है

ऑल द पाइप वर ओपन together एट साढ़े दस ए एम बट सी वॉज क्लोज एट ढाई पी एम ठीक है सभी पाइपों को मेरे भाई साढ़े दस बजे खोल दिया गया और सी को हमारा ढाई बजे बंद कर दिया गया तो जरा देखो यहाँ पर यह पूरा का पूरा मेरे भाई नंबर लाइन है साढ़े दस बजे की बात है साढ़े दस बजे जो है सारे पाइप खोल दिए गए हैं यानी ए भी काम कर रहा है बी भी, भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए सभी पाइपों को सुबह साढ़े दस बजे चालू किया गया है लेकिन ढाई बजे सी को बंद कर दिया गया है ये सारे के सारे मेरे भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे और ढाई बजे क्या किया गया है तो ढाई बजे के करीब में हमारे सी को बंद कर दिया गया है ढाई बजे हमारा सी जो है वो मेरे भाई एंड हो गया है ढाई बजे जो है वो हमारा सी क्या हो गया तो बंद हो गया अब ढाई बजे अगर सी बंद हो गया तो उसके बाद कौन काम करेगा तो उसके बाद तो हमारा ए और बी मेरे भाई काम करेगा उसके बाद कौन काम करेगा तो ए और बी हमारा काम करेगा ठीक है तो साढ़े दस से लेकर ढाई तक यानी कितना घंटा मेरे भाई तो चार घंटा चार घंटा तक सब ने मिलकर काम किया उसके बाद यहाँ पर जो है कौन काम करेगा तो ए और बी काम करेगा कितना मेरे भाई तो ढाई बजे तक ठीक है तो सभी पाइपों को यहाँ पर जो है वो सुबह साढ़े दस से लेकर ढाई बजे तक चालू कर दिया गया उसके बाद सी को बंद करके ए और बी को को सभी पाइपों सुबह दस बजे से लेकर ढाई बजे तक मेरे भाई चालू किया गया उसके बाद सी को बंद कर दिया गया है और जो है यहाँ पे टंकी उसी दिन साढ़े आठ बजे भर जाती है ठीक है तो साढ़े दस से लेकर ढाई बजे तक सारे के सारे पाइप काम करते हैं उसके बाद यहां ढाई बजे से लेकर यहाँ पे साढ़े आठ बजे तक मेरे भाई पूरी की पूरी टंकी भर गई है ठीक है पूरी की पूरी टंकी कितनी मेरे भाई भर गई है तो ए और बी ने इसका मतलब कितना काम किया है तो ए और बी ने छः घंटा काम किया है क्या टंकी भरी है कि खाली है तो बोलोगे टंकी भर गई है भरेगी तो टोटल वर्क के बराबर लिखते हैं और खाली हो जाती है तो मेरे भाई जीरो के बराबर लिखते हैं इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो मैं यहाँ पर सबसे बढ़िया इस बात को पकड़ लीजिए कि सभी पाइपों को साढ़े दस बजे खोला जाता है और ढाई बजे बंद कर दिया जाता है सी को तो साढ़े दस से ढाई तक यानी चार घंटे तीनों ने मिलकर काम किया फिर यहाँ सी को बंद कर दिया गया फिर उसके बाद यहाँ पर साढ़े दस बजे से लेकर यहाँ साढ़े जो है साढ़े दस बजे चालू किया ढाई बजे बंद कर दिया था फिर उसके बाद यदि टंकी साढ़े आठ बजे भर जाती है फिर यहां से लेकर साढ़े आठ बजे तक छः घंटे ए और बी ने काम किया क्योंकि सी को बंद कर दिया गया था और टंकी हमारी भर भर <coughs> गई है अगर हम देखते हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी तो देखो ए प्लस बी का तो मान पता है तो बोलोगे चार इंटू ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी पाँच सी की वैल्यू आप अभी पॉजिटिव में रखो अपने एंड से आपको नेगेटिव नहीं लेना है वो ऑटोमेटिक सी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी आप अपने तरफ से नेगेटिव लेने की कोशिश या चेष्टा ना करें अपने आप में सी का मान नेगेटिव आ जाएगा आप परेशान मत हो आ जाइए उसके बाद ए प्लस बी इंटू सिक्स तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे सर फाइव इंटू सिक्स यहाँ पर और ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क यानी कितने के तो अड़तालीस के अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो कितना हो जाएगा हम आपको बताते हैं ठीक है तो बोलोगे सर पाँच इंटू चार हमारा बीस हो जाएगा फिर उसके बाद चार इंटू सी हमारा फोर सी हो जाएगा फिर उसके बाद हमारा तीस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारे फोर्टी एट के अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे फोर सी का मान कितना होगा तीस जमा बीस हमारा पचास होगा पचास देखो ये फोर्टी एट अड़तालीस में से जब आप पचास को घटाओगे तो हमारा माइनस दो करके आएगा कितना आएगा 48 में से यदि आप 50 घटाओगे माइनस दो आएगा तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सी की जो वैल्यू होगी वो चार ले जाकर उधर भाग करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर वन अपॉइंट टू हो जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो माइनस वन अपॉइंट टू हो जाएगी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी तो माइनस वन अपॉइंट टू हो जाएगी मेरे भाई ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ सी की क्षमता मेरे भाई आधी हो गई क्वेश्चन में बोला क्या था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है एक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि सी अकेला भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है यानी कहने का मतलब कि यदि सी जो है टंकी को खाली करे तो कितना समय लगेगा ठीक है क्वेश्चन में कहा गया सी भरी हुई टंकी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है और मुझे एक्स का मान बताना है इसका मतलब मुझे ये बताना है कि सी पूरी टंकी को कितने देर में खाली करेगा यानी टाइम टेकन बाई सी टू एम द टैंक तो टाइम टेकन बाई सी बराबर वर्क हमारा कितना है तो अड़तालीस है और यहाँ पर सी की क्षमता कितनी है तो मेरे भाई वन बाई टू है माइनस के साइन को नहीं लेते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ये हमारा दो लेकर मेरे भाई ऊपर चला जाएगा तो फोर्टी एट इंटू टू हमारा कितना हो जाएगा तो नाइन्टी सिक्स हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ठीक है तो ये हमारा मेंस का पूछा गया बड़ा बढ़िया सा सवाल था और बढ़िया तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं बिना परेशानी के बिना किसी दिक्कत के मेरे भाई ठीक है यहाँ पे आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या है सर 12 में ए एंड वी का वैल्यू माइनस में चेंज कर सकते हैं क्या नहीं भेरे भाई ऐसा नहीं है आप यहाँ पर खुद से बी की वैल्यू को ए और बी को माइनस में चेंज करो करूं। क्यों करोगे जो मेरे भाई संख्या यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव कार्य करती है जो खाली करती है हम उसी को माइनस लेते हैं ठीक है जो नेगेटिव कार्य नहीं करेगी तो हम उसे माइनस में भला क्यों लेंगे यहाँ पे ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बारह नंबर में ए और बी को माइनस में नहीं लेंगे ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे सर छः कहाँ से आया ठीक है भाई कहाँ पर छः कहाँ से आया यहाँ पर ये यह बता दो मुझे बिल्कुल यहाँ पर छः कहाँ से आया ढाई बजे से लेकर साढ़े आठ बजे कितने घंटे होते हैं जनाब छः घंटे होते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इन लोगों ने कितना घंटा काम किया है तो छः घंटा काम किया है ठीक है हाँ कुछ बच्चों का फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया है यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रिपीट कर दीजिए क्योंकि मुझे सामने दिख रहा है मेरे भाई कि वो क्लास में लेट आए हैं और ऐसे दो चार बच्चे ही हैं यहाँ पर तो मेरे भाई ढंग से बता दे रहे हैं क्लास में टाइम पर आया करो ठीक है बड़े प्यार से बता रहा हूँ मैं नहीं तो फिर फालतू का परेशान करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो मैं इस बात को समझो यहाँ पे क्लास में टाइम पर आओ पिछली वीडियो को देख कर आओ उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा जैसे बाकी हजारों बच्चों को समझ में आ रहा है ठीक है फिर से अपना हर दो तीन दिन के बाद आप लोग वो धंधा स्टार्ट मत कर दीजिए कि ना टाइम पर आना है ना पिछली वीडियो देख के आना और बस आके खाली क्लास में कमेंट करके चले जाना है बहुत प्यार से तसल्ली से दस दस मिनट ले रहा हूँ एक एक सवाल को समझाने में तो अच्छे से समझिए यहाँ पे ठीक है आइए चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कहा गया है पढ़िए ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया पाइप ए और बी थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरी बातों को कमेंट करने के अलावा बोर्ड पर पढ़ाना भी होता है पढ़ना भी होता है यहाँ पर ये यह देख लो भाई सब कुछ समझ में आएगा यहाँ देखो पाइप ए और बी क्रमशः बारह मिनट और पंद्रह मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं और जब टैंक भरी हो तो सी जो आ द्वारा एक्स मिनट में खाली किया जा सकता है जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक दस मिनट में भर जाता है एक्स का मान हमारा कितना होगा ठीक है ये एकदम छोटू मोटू सवाल है मेरे भाई यहाँ पर यानी जो समय दिया गया है वो ए का दिया गया है फिर जो समय दिया गया है, वो बी का दिया गया है और जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तब मेरे भाई समय यहाँ दिया गया है <coughs> तो अगर हम बात करें तो पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट तो पाइप जो है हमारा 12 मिनट का है बी जो है मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिला के कितने का है तो 15 का है और तीनों अगर मिलकर काम करें यहाँ पर वैन ऑल द थ्री पाइप साइमल्टेनियसली टैंक इज़ फुल इन टेन मिनट तो तीनों का हमारा दस मिनट का है बारह पंद्रह और दस का हम जो एल्शियम लेंगे तो वो मेरे भाई हम साठ लेंगे साठ को बारह से भाग करेंगे तो आपका पाँच आएगा साठ को पंद्रह से भाग करेंगे चार आएगा साठ को दस से भाग करेंगे तो छः आएगा ठीक है यहाँ पर किस कोई भी टंकी ऐसा नहीं है मेरे भाई जो यहाँ पर खाली कर रहा हो ए भी भर रहा है बी भी भर रहा है और तीनों मिलकर भी भर ही रहे हैं ठीक है अब अगर आप यहां देखोगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है तो बोलोगे सर ए की वैल्यू हमारी पांच है बी की वैल्यू हमारी कितनी है तो बोलोगे सर बी की वैल्यू चार है ठीक है पाँच जमा चार नौ हो गया तो नौ में से जोड़ोगे या घटाओगे कि छः आ जाए तो नौ में से मेरे भाई घटाओगे कितना घटाओगे तो तीन घटाओगे तो बोलोगे नौ में से तीन घटा देंगे तो कितना आएगा तो नौ में से तीन घटा देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा छः आएगा नौ में से तीन घटा देंगे तो कितना आएगा तो छः आएगा यानी अगर हम बात करते हैं तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है तो माइनस है. अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है ठीक है वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का मान कितना है और एक्स मेरे भाई है यहां पे क्या तो यानी सी जितने देर में पूरी टंकी को खाली कर सकता है वही एक्स का मान है यानी हमें यहां पर यह पता करना है कि सी पूरे के पूरे टंकी को कितने देर में खाली करेगा तो यहां पर बोलेंगे टाइम टेकन बाई सी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा तो काम हमारा कितना है तो बोलोगे सर साठ होगा और सी का मेरे भाई क्षमता कितना है तीन है तो यहाँ डिवाइडेड बाई तीन होगा कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा तो बीस घंटे यानी अगर सी अकेला टंकी को खाली करना चाहे तो कितने दिनों में मेरे भाई करेगा तो बीस घंटे में कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है बहुत शानदार आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर पंद्रह अब सवाल देखो मेरे भाई तो ये हमारा एम का क्वेश्चन है लेकिन हाँ पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है इसके अंदर में तो ये थोड़ा आप लोग सीखे यहाँ पे क्या कहा गया है पाइप ए और बी भरे हुए टंकी को क्रमशः 20 घंटे में और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं और जबकि उसी टंकी को पाइप सी अकेला एक घंटों में भर सकता है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने है टैंक के एक बटी अठारह भाग को खाली करने में चालीस मिनट का समय लिया है तो एक्स का मान क्या होगा ठीक है एक्स का मान मेरे भाई क्या होगा अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो पाइप ए एंड बी कैन एमपटी अ टैंक इन ट्वेंटी आवर एंड फिफ्टीन आवर रेस्पेक्टिवली कैन फिल एंड एमपटी देखो यहाँ पे पाइप ए एंड बी कैन एम्पटी अ फिल्ड टैंक इन ट्वेंटी आवर एंड आवर रेस्पेक्टिवली यानी यहाँ दोनों खाली करने वाले टंकी है भरने वाले टंकी मेरे भाई नहीं है समझ में आ रहा है वाइल पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक अब यहां पर ए खाली करता है बी खाली करता है और सी हमारा टंकी को भरता है एक्स घंटे में कहा गया यदि तीनों को एक साथ खोल दिया है, तो 40 मिनट में वो एक बटी अठारह पार्ट को जो है फिनिश करते हैं तो हम यहां पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे एक बटी अठारह भाग को एक वोटी अठारह yeah! भागों को मेरे भाई भरने में ठीक है आप इस बात को समझो यहाँ पर कि ए हो गया बी हो गया सी हो गया तीनों ने मिलकर मेरे भाई एक वोटी अठारह भाग करे है एक बटी अठारह भाग काम जो है यहाँ पे एक बटी अठारह भाग को कितने देर में किया है तो एक बोटी अठारह भाग को मेरे भाई चालीस मिनट में किया है कितने मिनट में किया तो चालीस मिनट में यानी पूरा का पूरा यहाँ पर वन बाई एटीन याद है ना मैंने सब पढ़ाया था यहाँ पे तो वन बाई एटीन डब्ल्यू को यहाँ चालीस मिनट में तो पूरा का पूरा जो डब्ल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 18 इंटू चालीस मिनट कितना हो जाएगा तो अठारह इंटू चालीस मिनट यहाँ पे ठीक है पूरा का पूरा मेरे भाई कितना हो जाएगा तो अठारह इंटू चालीस मिनट हो जाएगा कोई परेशानी की बात है कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए तो अठारह इंटू चालीस मिनट मेरे भाई हो जाएगा लेकिन क्या हमें आंसर मिनट में चाहिए तो बोलोगे नहीं सर ये ठीक है बढ़िया बात है कि यहाँ पर एक यूनिट कार्य जो है वो इतने मिनट में हो रहा है बढ़िया है लेकिन मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा तो घंटे में बदलने के लिए हमें साठ से भाग करने की आवश्यकता है सर यहाँ पर यानी इतना क्या आ जाएगा तो इतना हमारा घंटा आ जाएगा अब अगर हम बात करते हैं भाई तो देखो यहाँ पर छः से देखो बीस से कितनी बार में काटोगे तो बीस से दो बार में काटोगे और बी से कितनी बार में तीन बार में तीन से काटोगे छः बार में तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो बारह घंटा हो जाएगा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो बारह घंटा हो जाएगा यानी अगर हम बात करते हैं तो तीनों मिलकर जो है यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा गया ऑल द थ्री पाइप हैज बीन ओपेंड साइमल्टेनियसली एंड दे टूक टू फिनिश इतना पार्ट ऑफ द टैंक ठीक है यानी तीनों को मिलकर जो समय लगता है वो कितना लगता है तो बारह घंटा समझ में आ रहा है बात यहाँ पे तो ए और बी जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए हो गया फिर बी हो गया और फिर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया मेरे भाई समझिएगा इस बात को लेकर ए और बी किसी टंकी को यहाँ पर ए जो है किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है उसी तरीके से बी भी हमारा 15 घंटे में खाली कर सकता है खाली करने वाले को अपने मन में माइनस मान लीजिएगा यहाँ पे एंड सी एलोन कैन फिल द टैंक थ्री पाइप हैज़ बीन ओपन सेमस इतना टू तो फिनिश यानी यहाँ तीनों मिलकर भी टंकी को क्या करते हैं तो तीनों मिलकर भी मेरे भाई टंकी को यहाँ पर खाली ही करते हैं भरता मेरे भाई कोई भी नहीं है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे ठीक है फिनिश करने का मतलब क्या हो गया कि काम को खत्म करना मतलब खाली करना ठीक है हिंदी में भी यदि आप पढ़ोगे तो क्या कहा गया कि जबकि टैंक को पाइप सी द्वारा इतने में भरा जाता है तीनों साथ खोल दिए गए तो उन्हें टैंक के इतने भाग को खाली करने में इतने का समय लिया है यानी तीनों मेरे भाई खाली कर रहे हैं तो खाली करने वाले को हमेशा क्या करते हैं तो माइनस में लेते हैं और भरने वाले को हमेशा क्या करते हैं तो प्लस में लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे तीनों कैल्शियम लेंगे बीस का पंद्रह का बारह कैल्शियम हमारा साठ आ जाएगा साठ को बीस से भाग करेंगे तीन आएगा साठ को पंद्रह से भाग करें चार आ जाएगा साठ को बारह से भाग करें तो पाँच आ जाएगा ये खाली करने वाला है तो माइनस में ये खाली करने वाला है तो माइनस में तीनों खाली करने वाले हैं तो माइनस में अब सबसे मजे की बात हम आपको बताते हैं ए की वैल्यू माइनस तीन है बी की वैल्यू मेरे भाई माइनस चार है तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे ठीक है समझना मेरी बात को यहां पर क्या हो जाएगा माइनस तीन और माइनस चार कितना हो जाएगा माइनस सात हो जाएगा माइनस सात में सी के वैल्यू को जोड़ा गया है तो मेरे भाई माइनस पांच आया है आप ऐसे देखो माइनस सात में सी को जोड़ा गया है तो माइनस पांच आया है तो सी की वैल्यू कितनी होगी तो माइनस पाँच और ये उधर चला जाएगा तो प्लस सात यानी सी की वैल्यू कितनी होगी सात माइनस पाँच यानी सी की वैल्यू दो होगी सी की वैल्यू कितनी होगी तो सी की वैल्यू मेरे भाई दो होगी यहाँ पे सी की वैल्यू हमारी कितनी होगी तो बोलोगे सर सी की वैल्यू हमारी दो होगी पॉजिटिव है ना सी तो यार भरने का काम कर रहा है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था तो क्वेश्चन में वही बात पूछा गया था कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ यानी सी हमारा कितने देर में खाली करेगा तो हम क्या बोलेंगे तो बोलेंगे टाइम टेकन बाई सी बराबर टाइम बराबर क्या होता है तो बोलोगे सर वर्क और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तो एफिशिएंसी यानी सर समय कितना लगेगा तो बोलोगे तीस घंटे समय कितना लगेगा तो बोलोगे सर तीस घंटे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई वो हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर इस बात को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक अमन सिंह कहते हैं बारह में मिनट में चेंज करने के लिए बोले हैं कहाँ पर बारह में मिनट में चेंज करने के लिए हम बोले हैं अमन भाई और किस बात पे आप कन्फ्यूज हो गए हैं तो देखिए बारह में हम यहाँ पर कौन से वाले पार्ट को मिनट में बदले हैं आपको पता है अमन जी हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट को मिनट में कन्वर्ट किया है हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर सबका जो था वो देखिए यहाँ पर सारा का सारा वन हो गया वन हो गया इसको मैंने घंटे में बदला है अगर आप सही तरीके से देखें यहाँ पर भी मैंने घंटे में ही बदला है ये भी आवर है ये भी आवर है ये भी आवर है उसके बाद जब लास्ट में आंसर आया था और जब मेरे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे तो ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को तब तो मैंने मिनट में बदला था अगर आप मेरे भाई इस वाले सवाल में अगर पर्टिकुलरली देखेंगे तो आप देखिए ये हमारा मिनट में था तो हमने घंटे में बदला क्योंकि एक व्यक्ति घंटे में है दूसरा घंटे में है तो तीसरे को हम मिनट में कैसे ले सकते हैं हमें तीसरे को भी घंटे में ही लेना पड़ेगा आप कभी अलग अलग क्वान्टी कैल्सियम लेंगे कभी ऐसा होगा कि दो को ग्राम में ले लिया तीसरे को किलोग्राम में ले लिया और आपने एल्सियम ले लिया दो लोगों को मेरे भाई मीटर पर सेकेंड में ले लिया एक किलोमीटर पर आवर में ले लिया एल्सियम ले लिया बिल्कुल भी नहीं आप हमेशा सेम क्वान्टिटी का एल्सियम लेते हैं तो अगर यहाँ ये यह घंटा है और ये घंटा है तो इसे भी घंटे में आपको बदलना पड़ेगा ठीक है तो उसके आधार पर आप एल्सियम लेंगे फिर हर किसी की एफिशिएंसी आएगी ये दो लोगों का कार्य हमारा नेगेटिव आएगा माइनस सात में जोड़ने पर ही माइनस पांच आएगा इसलिए दो जोड़ा गया है और यहाँ से सी की वैल्यू निकल के चली आएगी ठीक है भाई हर किसी को क्लियर हो रहा है बढ़िया तरीके से बताइए चलिए आ जाइए सी की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव क्यों आई है सी की वैल्यू पॉजिटिव इसीलिए आई है क्योंकि सी हमारा भरने वाला पाइप है ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला सवाल यहां पर देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोला है सीपीओ का बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे आप देखिए ठीक है फिर से अमन सिंह कहते हैं बारह में एन बी का टाइम मिनट में चेंज करने के लिए बोलें किसने कहा यार ए और बी का टाइम मिनट में चेंज करने के लिए इरिटेट कर दियो भाई यार तुम कहाँ पर किसने कहा यार बारह में ए और बी को मिनट में बदलने के लिए हमने कहा मिनट में बदलने के लिए बताना कहाँ पर किस क्वेश्चन में बारह में मिनट में बदलने को कहा गया है बताओ भाई अगर आप इनको मिनट 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 में लेके जाना चाहते हो लेके चले जाओ किसी ने मना थोड़ी किया है आप इसको मिनट में ले लो इसको मिनट में ले लो इसको मिनट में ले लो मिनट पे लेके बना लो तुम्हारा क्वेश्चन लास्ट में मिनट में आएगा घंटे में बदल लेना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है हम घंटा लेके बना रहे हैं तो बाद में मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो मिनट में लेके बनाना भाई बाद में घंटे में कन्वर्ट कर लेना ठीक है और दिव्यांश सिंह दिव्यांश सिंह मेरे भाई टाइम एंड वर्क में टी प्लस डेज वाले कंसेप्ट में तीन पीपल का केस कैसे करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है तो टी प्लस वाले में मैंने ऑलरेडी करवा रखा है दिव्यांश भाई अगर आप देखेंगे तो लास्ट के मिसलेनियस के तीन सवाल जो हैं हमारे वो हमने उसी कंसेप्ट करवाए हुए हैं टी प्लस डेज वाले में आप एक बार अगर देखोगे ना शीट में तो बच्चे आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आएगी ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पर हाँ सर एक बार देखिए कल की क्लास शायद बच्चा डाउनलोड कर रहा है तो चल नहीं रहा है रितेश सिंह कह रहे हैं एक बार देख लीजिए एक बार ठीक है आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं और यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है ज़रा पढ़िए क्वेश्चन नंबर सोलह देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सोलह में क्या कहा गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर सोलह में क्या कहा गया जरा देखिए एक बार बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई कहा गया कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक आवर 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 एंड रेस्पेक्टिवली दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर ईच स्टार्टिंग विद पाइप ए फर्स्ट इन हाउ मेनी आवर विल द एम टी टैंक बी फिल्ड अब यहां पर अगर आप इस सवाल को देखोगे तो इस सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया तो ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट लगाया गया बड़े खूबसूरत तरीके से कि दो हैं पाइप ए है और बी है और किसी खाली टंकी को आठ घंटे में और बारह घंटे में वो भर सकते हैं पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक करके एक एक घंटे खोला जाता है कितने देर में तो आप इसे टाइम एंड वर्क का ही सवाल मानो ज़्यादा आसान रहेगा जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क पढ़ा वो तो इसको उड़ा के फेंक देगा मतलब यहाँ बताने की इतनी ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे तो अगर हम देखते हैं तो ए हमारा आठ घंटे में और बी हमारा बारह घंटे में यदि हम दोनों कैल्सियम देखेंगे तो आठ और बारह कैल्सियम हमारा चौबीस हो जाएगा आठ का तीन गुना और बारह का कितना गुना मेरे भाई तो दो गुना यहाँ पे ठीक है अगर हम बात करते हैं तो फिर हम कैसे अप्रोड करेंगे देखो ठीक है यहाँ पर किस तरीके से कार्य होगा तो पहले हमारा ए काम करेगा फिर हमारा बी कार्य करेगा फिर हमारा ए कार्य करेगा फिर हमारा बी कार्य करेगा और ऐसे हमारा कार्य का होगा मेरे भाई कंप्लीट होता रहेगा ए भरने का काम करेगा तो ये तीन मिनट मेरे भाई भरेगा ठीक है भी हमारा भरने का काम करेगा दो यूनिट भरेगा फिर ये तीन भरेगा फिर ये दो भरेगा तो कार्य तो हमारा ऐसे रिपीट होता रहेगा ठीक है फिर ऑल्टरनेट में हमने क्या सीखा है जोड़े को पकड़ना है जो जोड़ा रिपीट होगा जैसे तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो इस तरीके से करके मेरे भाई जो, जो जोड़े हैं वो हमारे रिपीट होंगे तो अगर हम बात करते हैं जोड़ों के बारे में तो यहाँ पर देखिए ज़रा क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर यहीं तो पॉइंट समझने वाली बात है और यहाँ क्या कहा गया तो दो दिनों में दो दिनों में जो हमने कार्य किया है वो हमने कितना काम किया है तो दो दिनों में हमने कार्य किया है पाँच यूनिट दो दिनों में हमने कार्य कितना किया तो पाँच यूनिट हमें हमेशा इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेके जाना होता है ये हमें पता है तो अगर हम पाँच को मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि चौबीस के करीब में पहुँचे तो हम पाँच को चार से मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा तो आठ दिन और आठ दिन में हमने काम कितना किया तो आठ दिन में हमने बीस यूनिट काम कर लिया है आठ दिन में हमने कितना काम कर लिया है तो बीस यूनिट काम हमने कर लिया है उसके बाद अगले दिन हम काम पर किसे बुलाएंगे फिर अगले दिन काम पर हम ए को बुलाएंगे तो एक दिन और काम होगा और एक दिन में कितना काम होगा तो ए आएगा और तीन यूनिट काम करेगा अब मेरे भाई कुल मिलाकर नौ दिन हो चुके हैं और कार्य हमारा हो गया है मेरे भाई तेईस नौ दिन में कितना काम हो गया है तो नौ दिन में हमारा तेईस काम हो गया है यदि हम बी को बुलाते हैं और बी फिर एक दिन आता है तो दो यूनिट काम कर जाएगा और फिर वो पच्चीस हो जाएगा और पच्चीस हमारा चौबीस से ज़्यादा होता है यानी जितना काम हमें करवाना था उससे वो ज्यादा काम हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर नौ दिन को मेरे भाई यहाँ कंसिडर करने वाले हैं जितना काम हमारा बच जाता है हम ऊपर लिखते हैं तो चौबीस काम था तेईस काम हो गया तो कितना बच गया एक बच गया तो उसको ऊपर लिखो और जो व्यक्ति कार्य करने आएगा उसकी क्षमता को नीचे लिखो तो कौन काम करने आएगा बी काम करने आएगा तो बी की क्षमता को नीचे लिखो तो ध्यान रखना दोस्त यहाँ पर ठीक है जितना दिन काम हुआ है उसको आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ जितना कार्य आपका बच गया है तो चौबीस में से तेईस काम आपका बच गया तो चौबीस में से तेईस काम आपने कर लिया तो एक काम बच गया तो उसको आप ऊपर लिखिए ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो मेरे भाई यहां पर बी की जो क्षमता उसको हम लिखेंगे लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो साढ़े नौ घंटे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर है ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पे अल्टरनेट का कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि हमेशा धीरे 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 कर करके आगे बढ़ना होता है जैसे आठ दिन बढ़ गए एक और दिन का ले सकते थे काम क्योंकि तीन जोड़ने से काम फालतू नहीं होता इसीलिए ले लिया लेकिन अगर इसमें एक दिन और ले लेते हैं और दो जोड़ देते तो पच्चीस हो जाता जो कि इससे फालतू हो जाता इसीलिए हमने नहीं जोड़ा कार्य को यहीं पर रोक लिया था फिर जो काम हमारा बच जाता है चौबीस माइनस से उसको ऊपर रखते हैं और जो व्यक्ति कार्य करने आता है तो उसके कार्य को मेरे भाई यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं ठीक है आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा

ठीक है तो हमने यहां पर कहा बढ़िया तरीके से कि ये हमारा पाइप ए हो गया और ये हमारा पाइप बी हो गया ठीक है अगर हम बात करते हैं तो पाइप ए हमारा सोलह घंटे हो गया और ये हमारा कितना घंटे हो गया तो बीस घंटे हो गया ठीक है दोनों ने मिलकर मेरे भाई टंकी की शुरुआत की है खोलने की शुरुआत की है तो टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टीन एंड ट्वेंटी आवर रेस्पेक्टिवली ठीक है तो 16 और 20 का हमारा एल्शियम कितना हो जाएगा तो 16 और 20 का एल्शियम हमारा 80 हो जाएगा 16 का पाँच गुना और 20 का हमारा कितना गुना मेरे भाई तो चार गुना यहाँ पे 16 का पाँच गुना और 20 का हमारा कितना गुना मेरे भाई तो चार गुना दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर वन आवर रिज दोनों ने मिलकर मेरे भाई एक घंटे खोला गया है तो जैसे आप ऐसे समझ लो कि एक घंटे हमारा ए खोला गया फिर एक घंटे हमारा बी खोला गया फिर एक घंटे हमारा ए खोला गया फिर एक घंटे हमारा बी खोला गया और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है ये हमारा पूरा का पूरा कार्य हुआ है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे तो ए हमारा कितना काम करेगा तो पांच बी हमारा कितना काम करेगा तो चार ए हमारा करेगा तो पांच बी हरा करेगा मेरे भाई चार तो ये सारा काम हमारा हुआ है तो अगर हम देखते हैं टोटल तो टू डेज में जो हमारा कार्य है तो दो दिन में हमारा कार्य कितना हुआ तो दो दिन में हमारा कार्य नौ यूनिट हुआ है दो दिन में हमारा कार्य कितना हुआ है तो नौ यूनिट हुआ है ठीक है दो दिन में हमारा कार्य कितना हुआ है तो दो दिन में हमारा नौ यूनिट कार्य हुआ है अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो यहाँ पे दे आर ओपन आल्टरनेटिवली फॉर वन आवर इच स्टार्टिंग विद पाइप ए फर्स्ट इन हाउ मेनी आवर विल द एम टैंक बी फिल्ड यहाँ पर कितने घंटे में मेरे भाई पूरा का पूरा टंकी भरा है तो हम क्या बोलेंगे दो दिन में मेरे भाई नौ यूनिट काम हुआ अब मुझे इस नौ को गुना करके अस्सी के करीब में लेके जाना होता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मेरे भाई तो मैं यहाँ पर गुना करूँगा किससे गुना करूँगा तो आठ से ठीक है क्योंकि नौ से नौ को गुना करूँगा तो एटी हो जाएगा जो कि ज़्यादा काम हो जाएगा तो नौ को मैं आठ से गुना करूंगा तो मेरे भाई बेहतर आ जाएगा और अगर यहाँ आठ से गुना करेंगे तो हम यहाँ भी क्या करेंगे तो यहाँ भी आठ से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो सोलह दिन हो जाएगा तो सोलह दिन में आज हमने कितना काम किया तो सोलह दिन में हमने बेहतर काम किया है ठीक है सोलह दिन में हमने कितना काम किया तो सोलह दिन में हमने बेहतर काम किया है समझ गए इस बात को अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो हम अगले दिन एक दिन और कार्य करने बुलाएंगे और किसको बुलाएंगे तो एक को वो कितना काम करेगा तो पाँच ठीक है तो, तो सत्रह दिन में कुल मिलाकर जो है हमारा कार्य कितना होगा तो सत्रह दिन में हमारा सेवनटी सेवन कार्य होगा सत्रह दिन में हमारा काम कितना होगा तो सेवनटी सेवन काम होगा अगर हम एक दिन और बुला लिए बी को तो वो चार यूनिट काम कर देगा वो ए वन हो जाएगा और वो मेरे भाई फालतू काम हो जाएगा तो हम ऐसा घटिया काम नहीं करवाएंगे बेकार सा काम हो जाएगा ना यार वो तो क्यों करवाएं हम कार्य हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फिर उसके बाद देखो जितना दिन हो गया उसको यहाँ रखो ठीक है अस्सी में से सतहत्तर को माइनस कर दो तो कितना बच गया तीन उसको मेरे भाई ऊपर रखो, ठीक है? 80 में से 77 को माइनस कर दो, तीन और अगले दिन मेरे भाई जो व्यक्ति कार्य करने आएगा उसकी क्षमता को नीचे लिखेंगे तो अगले दिन कार्य करने कौन आ रहा है बी आ रहा है तो उसकी क्षमता को नीचे लिखो तो सत्रह सही तीन बटे चार कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है ध्यान रखिएगा इस बात को लेके तो बड़े प्यारे प्यारे से सवाल हैं बड़े आराम तरीके से मेरे भाई आप इसका आंसर दे सकते हैं और समझ भी सकते हैं कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है जैसे सी में क्वेश्चन पूछा गया अब अभी तो जो आप ऑल्टरनेट में पढ़ रहे हैं ना तो ऑल्टरनेट में यहाँ ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है ऑल्टरनेट में तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पर वो सवाल हो जाता है जहाँ पर एक भर रहा होता है और दूसरा हमारा खाली कर रहा होता है उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे आप टेंशन मत लो यहाँ पर वैसे सवाल भी कुल मिलाकर आपके होंगे दोस्त यहाँ पे ठीक है चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन को देखिए जैसे सीजल का हमारा ये क्वेश्चन है दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः दस घंटे और सोलह घंटे में भर सकते हैं पाइपें से शुरुआत करते हुए उन्हें एक करके एक एक घंटे खोला जाता है कितने टंके में खाली टंकी भर जाएगी ये भी हमारा दोनों के दोनों भरने वाले ही हैं अगला क्वेश्चन हम आपको एक ऐसा करवाएंगे जिसमें एक टंकी को भर रहा होगा और दूसरा खाली कर रहा होगा और तब हम ऑल्टरनेट तरीके से दोनों को खोलेंगे और तब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर टंकी हमारी कितने देर में भरी या खाली हो गई तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन टेन आवर एंड सिक्सटीन आवर रिस्पेक्टिवली तो एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है ये हमारा कितने देर में तो दस घंटे में और ये हमारा कितने देर में तो सोलह घंटे में है तो में। दस और सोलह कैल्सियम कितना हो जाएगा तो बस दस का आठ गुना और सोलह का कितना गुना मेरे भाई तो यहाँ पर पाँच गुना ठीक है बोला गया दोनों को ऑल्टरनेट तरीके से खोला गया दोनों को किससे खोला गया तो ऑल्टरनेट तरीके से पहले ए हो गया फिर हमारा बी हो गया फिर हमारा ए हो गया फिर हमारा बी हो, हो गया और ऐसे चल चल के चल चल के चल चल के मेरे भाई पूरी की पूरी टंकी खाली हो रही है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है तो आठ है बी की वैल्यू कितनी है पांच है फिर ए की वैल्यू हमारी आठ है फिर बी की वैल्यू हमारी पांच है और ये हमारा पूरा का पूरा मेरे भाई कार्य होगा यहाँ पे ठीक है चलिए आ जाइए तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बोलेंगे एक दिन इसने काम किया एक दिन इसने काम किया तो इन लोगों ने काम कितना किया मेरे भाई तो बोलोगे सर दो दिन इन लोगों ने मिलकर काम किया और दो दिन में कितना काम किया है तो आठ जमा पाँच यानी तेरह यूनिट मिलकर काम किया है ठीक है अब मुझे तेरह को गुना करके इसके करीब में लेके जाना होता है तो तेरह का छह गुना अठहत्तर होता है तो यहाँ पर इससे किससे गुना करूँगा मेरे भाई तो छः से गुना करूँगा ठीक है तो छः इंटू हमारा हो जाएगा बारह दिन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेवेंटी यूनिट यानी कुल मिलाकर क्या होगा तो बारह दिन अब तो यार देखो काम तुम्हारा था कितना अस्सी तुमने कर कितना लिया अठहत्तर बचा कितना मेरे भाई दो तो जो बच गया उसको कहां लिखोगे ऊपर में जो बच गया मेरे भाई कहाँ लिखोगे तो ऊपर में अस्सी में से अठहत्तर अच्छा हो गया तो जो बच गया वो कहाँ लिखोगे ऊपर में अब अगले दिन कार्य करने कौन आ रहा है तो ए आ रहा है और ए करेगा कितना तो मेरे भाई आठ यूनिट तो यहाँ पर कितना लिखोगे आठ दो से काटोगे एक बार में दो से काटोगे चार बार में तो आंसर कितना होगा बारह सही एक बटे चार करेक्ट आंसर है बारह सही एक बटे चार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर जो सी होगा होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है यहां पे अब आ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारी तरफ से ले लीजिए कुछ भाषा पर आधारित सवाल और मेरी तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा रहेगा देखो हमारी शीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं इसीलिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं ठीक है हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नहीं हो वहाँ पे तो मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और मेरे भाई अपने तरफ से जो है यहाँ पर समझिएगा इस बातों को लेकर क्या कहा गया कैसे कहा गया मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे कि अगर ए नाम का कोई व्यक्ति है या ए नाम का कोई एक नल है और वो यहाँ पर किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है तो 10 घंटे में मेरे भाई भर सकता है और बी नाम का कोई नल है मेरे भाई वो यहाँ 20 घंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों मिलकर ऑल्टरनेट तरीके से कार्य करते हैं इफ़ दे बोथ वर्क ऑल्टरनेटिवली या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आए और भाषा में कहीं भी कष्ट ना हो इंग्लिश वालों को हिंदी वालों को कहीं पर कोई परेशानी ना हो मैं इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज को मेरे भाई बदल देता हूँ ठीक है पूरा प्रॉपर वे में टू पाइप ए एंड बी ठीक है तो यहां पर सबसे पहले टू शब्द को हटाइए लिखा गया पाइप ए हो गया ठीक है ठीक है दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विदर्स्ट एम्प्टी टैंक बी फिल्ड ठीक है इसको अगर हम इस तरीके से लिखे यहां पे, कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन इतना आवर एंड बी can empty <coughs> we can empty it in 20 hour बी यहाँ पर इसको खाली करेगा कितने घंटे में मेरे भाई तो बीस घंटे में ए हमारा भरता है दस घंटे में बी हमारा खाली करता है बीस घंटे में तो यदि वो ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे तो कितने टंकी में आ, कितने घंटे में टंकी भर जाएगी अगर आप हिंदी में देखोगे तो दो पाइप के जगह पर सिर्फ अभी यहाँ लिखो पाइप ए और यहाँ पर जो है पाइप ए किसी खाली टंकी को क्रमशः दस घंटे में ठीक है खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे में यहाँ पर सीधा सीधा कि पाइप ए किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पूरा इसका हिंदी का स्टेटमेंट ही बदल देता हूँ यार ठीक है हिंदी का स्टेटमेंट मेरी तरफ से आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे हिंदी वाले जो है यहाँ पर मेरी तरफ से स्टेटमेंट क्योंकि मुझे पता है यार देखो इसमें टोटल तीन कंसेप्ट बनते हैं मैं तीनों कंसेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ कहा गया कि पाइप ए ठीक है पाइप ए मैं थोड़ा मतलब ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है पाइप ए ठीक है किसी खाली टंकी को दस घंटे में भर सकता है भर सकता है तथा बी बीस घंटे में ठीक है भरी टंकी को खाली कर सकता है भरी टंकी को खाली कर सकता है ठीक है बी टंकी को खाली कर सकता है कर सकता है मतलब समझ गए बात को यहाँ पर कर सकता है तो पाइपे से शुरुआत करते हुए एक एक करके दो घंटे खोला जाता है तो कितने घंटे में खाली हमारी भर जाएगी अब ये देखो ये क्वेश्चन हमारा कैसे होता है क्या होता है हम आपको समझाते हैं असल में तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कुल मिला के थ्री टाइप्स बनते हैं और ये सारे के सारे ऑल्टरनेट के खूबसूरत होते हैं मेरे भाई ठीक है तीन टाइप हमारे क्या बनते हैं तो पहला यहाँ पर बनता है कि जैसे नल ए जो है वो टंकी को भरेगा और नल बी जो है वो मेरे भाई खाली करेगा यानी कुल मिलाकर मैं भाई फोटो अगर हम आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टंकी है एक व्यक्ति पानी को मेरे भाई भर रहा है यहाँ पे ठीक है और दूसरा यहाँ पर जो है पानी को लीकेज कर रहा है और ये तीन टाइप्स होते हैं किस में तो ऑल्टरनेट वाले में होते हैं तीन टाइप्स किस में होते हैं मेरे भाई तो ऑल्टरनेट वाले में होते हैं ठीक है <coughs> तो एक हमारा ये हो गया दूसरा वाला उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पर जो है प्यारा होता है वो हमारा क्या होता है तो वो हमारा ये होता है कि जैसे मानो एक पोल हो गया यहाँ पे, और ये मेरे भाई पोल में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक बंदर है यहाँ पर क्या है मेरे भाई तो एक यहाँ बंदर है यहाँ पे आप ऐसे समझ लो यहाँ पे ठीक है ये मेरे भाई क्या है तो यहाँ पर बंदर है और यहाँ पर इसका ये बंदर क्या करता है यहाँ पे तो बंदर जैसे मानो कि पहली बार में वो यहाँ पर देखो पूरी पोल पूर की लंबाई ऐसे दे देगा कि पूरी पोल पूर की लंबाई तुम्हारी 100 मीटर की है पूरी पोल की लंबाई कितनी है तो 100 मीटर की है पहले मिनट में वो क्या करता है तो पहले मिनट में वो पाँच मीटर मेरे भाई वो चढ़ता है ठीक है पहले मिनट में वो क्या करता है तो पाँच मीटर मेरे भाई वो चढ़ता है और अगले मिनट में वो क्या करता है तो तीन मीटर वो हमारा नीचे गिर जाता है तो बताओ यहाँ पर कितने मिनट के बाद वो पूरे के पूरे पोल पे चढ़ जाएगा यदि यहाँ पर बनाना रखा हुआ है यदि यहाँ पर मेरे भाई जो है मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एप्पल रखा हुआ है क्या रखा हुआ है मेरे भाई यहाँ तो यह पर तो मान लो यहाँ पर कि एप्पल रखा हुआ है कुछ ऐसा करके ठीक है कि एक मिनट में वो पांच मीटर चढ़ेगा तो फिर उसके बाद फिसल के नीचे तीन मीटर आ जाएगा अगले मिनट में पहला मिनट में जैसे पहला मिनट में मैं चढ़ूंगा तो अगले मिनट फिसल के नीचे फिर चढ़ूंगा फिर फिसल के नीचे इस तरीके से करके यहाँ पे तो सौ मीटर की पूरी पोल है तो मैं कितने देर में चढ़ जाऊंगा फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा सवाल जो रहता है वो हमारा क्या रहता है तीसरा सवाल एक पियक्कड़ का रहता है मेरे भाई नशे में धूत एक इंसान रहता है एकदम एकदम जो है मदरा में धुत है और ये इंसान क्या कर रहा है तो ये इंसान मेरे भाई जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऐसे समझ लो कि ये चल रहा है ठीक है आज मेरे भाई जिस मुकाम पर ये खड़ा है वहाँ से आगे चल के मेरे भाई सौ मीटर पे गड्ढा है यहाँ पे तो 100 मीटर में एक नाला है यहाँ पे एकदम ऐसा ठीक है और ये यह नाला यहाँ 100 मीटर के अंदर में है या ऐसे कह लीजिए मेरे भाई कि यहाँ पर ये गड्ढा है ठीक है 100 मीटर कह लो या फिर डेटा में बदल देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट में यहाँ पे रख देता हूँ दो मीटर पे क्या है तो दो मीटर पर नाला है ठीक है चूंकि मेरे भाई ये नशे में धुत है तो ये नशे में धुत है तो ये क्या होगा तो यहाँ पर पहले मिनट में यहाँ पर ये यह कितना मीटर चलेगा तो पहले मीटर में मानो यहाँ पहले मिनट में ये दस मीटर आगे बढ़ेगा तो दूसरे में ये पांच मीटर पीछे घसकेगा फिर ये दस मीटर आगे बढ़ेगा फिर ये पांच मीटर पीछे घसकेगा, तो कितने समय के बाद जाके वो नाले में गिर जाएगा तो ऑल्टरनेट के ये तीन बड़े खूबसूरत 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 प्रश्न बन जाते हैं ठीक है और यहां पर ये तीनों के तीनों सवाल जो हैं, ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और उसके बाद यहां पर ये तीनों के तीनों सवाल जो हैं ये आपके मॉक टेस्ट में भी आएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे तो यहाँ पर जैसे भरने वाली टंकी हमारी 10 घंटे में भरेगी और खाली करने वाली हमारी 20 घंटे में खाली करेगी तो बताओ टंकी कितने देर में यहाँ भर जाएगी यहाँ पर 100 मीटर के ऊपर एक सेव रखा हुआ है एक मिनट में पाँच मीटर चढ़ता है दूसरे मिनट में तीन मिनट उतरता है तो कैसे होगा यहाँ 200 मीटर पर एक गड्ढा है पहले मिनट में यहाँ 10 मीटर चढ़ता है दूसरे में 5 मीटर पीछे जैसे मैं ऐसे चलूंगा 10 मीटर तो फिर दूसरे में एकदम ऐसे पीछे लड़क के एकदम पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पर बताओ कितने मिनट के बाद जाके गड्ढे में गिर जाएंगे? तीनों के तीनों कन्फ्यूज़ करते हैं हम लोग तरीके से सीखेंगे यहाँ तीनों कन्सेप्ट बढ़िया तरीके से मेरे भाई देखो तो यहाँ पर क्या हो गया जैसे मानो ए हो गया तुम्हारा यहाँ पर और दूसरा वाला क्या हो गया तो दूसरा वाला मेरे भाई बी हो गया यहाँ पर ये कितना दस घंटा और ये कितना मेरे भाई बीस घंटा दस और बीस का वर्क हमारा कितना होता है तो बोलोगे बीस होता है ये खाली दस का मेरे भाई दो और बीस का हमारा होता है एक यहाँ पर ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर कैसे होगा क्या होगा ज़रा समझना तो यहाँ पर जैसे ऑल्टरनेट है ऑल्टरनेट है तो पहले हमारा कैसे काम हो रहा है तो ए काम कर रहा है फिर बी यहाँ पर आता है फिर ए काम करता है फिर बी आता है ऐसे ही तरीके से मेरे भाई काम होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं तो हम यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से मेरे भाई यहाँ दो दिन में कितना कार्य हुआ है देखो तो दो दिन में पहला दिन में ये काम करेगा दूसरा दिन में ये काम करेगा तो वही बात है पहला दिन ये दो यूनिट काम करेगा अगले दिन माइनस वन फिर दो यूनिट फिर माइनस वन तो दो दिनों में कार्य कितना होगा वन यूनिट तो दो दिनों में कार्य मेरे भाई यहाँ पर वन यूनिट होगा तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कार्य कितना करना है तो पूरा का पूरा कार्य करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं इसको सीधा देखो यहाँ पे एक है और मुझे क्या बनाना है बीस तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बीस से गुना करूँगा अभी देखते चलो बच्चा गलती क्या करेगा तो एक को बीस से गुना करेगा बीस बन जाएगा तो यहाँ दो को बीस से गुना करेगा तो यहाँ चालीस दे देगा मेरे भाई और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है और ये बच्चा सोचता है कि हमारा आंसर कितना होगा चालीस ठीक है बट मेरे भाई ऐसे सवालों में तुमसे यहाँ पर एक चीज़ एग्जामिनर ऐड कर लेता है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा और वो पता है क्या ऐड कर लेता है वो ऐड ये कर लेता है कि पहली बार टंकी कब भरेगी पहली बार टंकी कब भरेगी जहाँ पर आपने गलती कर दिया था पहली बार टंकी कब भरेगी ये टंकी हज़ार बार भरेगी लेकिन पहली बार कब भरेगी और पहली बार के लिए ये तरीका हमारा गलत है हम इस तरीके से ऑप्ट नहीं करेंगे अगर यही हमारा करेक्ट आंसर होता तो फिर हम ऐसे क्यों बनाते फिर मैं इसको स्पेशल टाइप बना के क्यों पढ़ाता तो ऑल्टरनेट में वो सवाल बड़े खूबसूरत हो जाते हैं जहाँ पर एक पॉजिटिव कार्य करता है और एक नेगेटिव कार्य करता है कभी जीवन में कहना मत कि हमने नहीं पढ़ाया बस ध्यान से सुन लो मेरी बातों को ले ठीक है मुझे पता है आगे चल के भविष्य में यहाँ पर फंसोगे इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ समझते चलो मेरे भाई यहाँ पे आप फोकस कर लो चालीस आंसर नहीं होगा तो क्या होगा पहले दिन ए कार्य किया फिर अगले दिन बी कार्य किया फिर अगले दिन ए कार्य किया फिर अगले दिन बी कार्य किया पहली बार पूछा जाता है तो ए ने काम मेरे भाई दो यूनिट किया है फिर बी ने एक यूनिट किया है फिर इसने दो यूनिट किया फिर इसने एक यूनिट तो यहाँ बोलोगे दो दिनों में मेरे भाई कार्य कितना हुआ है टू माइनस वन यानी वन यूनिट हुआ है तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑल्टरनेट वाले केस में ऑल्टरनेट वाले केस में जब मुन्ना यहाँ पर इस बात को समझना कि एक व्यक्ति पॉजिटिव करता है और एक व्यक्ति नेगेटिव करता है तो उस केस में हमें यहाँ पर जो है इसको टोटल के करीब में नहीं पहुँचाना होता कभी भी इसको टोटल के करीब में नहीं पहुँचाना होता है हमेशा इसमें से इसको माइनस कर दो बीस में से दो माइनस कर दो अठारह तो हमें अठारह के, के करीब में पहुंचाना होता है हमें किसके करीब में पहुंचाना होता है अठारह के करीब में इस बात को ध्यान रखना मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों यहां पर फिलहाल इतना समझ लो इतना माइनस इतना यानी अठारह के करीब में तो इसको अठारह से गुना करो मेरे भाई तो यहां पर भी अठारह से गुना हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना मेरे भाई हो गया तो अठारह दो न छत्तीस दिन हो गया और छत्तीस दिन में काम भी कितना हो गया अठारह अब अगला मिनट मेरे भाई कौन काम करेगा तो बोलोगे अगला मिनट मेरे भाई यहाँ पर ए काम करेगा और ए काम करेगा तो फिर एक मिनट और वो काम करेगा तो एक मिनट और वो काम करेगा तो वो दो यूनिट भर देगा अब यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो गया तो सैंतीस दिन हो गए और सैंतीस दिन में काम कितना हो गया तो सैंतीस दिन में बीस यूनिट काम हो गया समझ में आ गया या सैंतीस घंटे में पूरा का पूरा जो है दिन मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप टीक हो जगह पे आवर बदल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है या क्वेश्चन में आप ऐसे बदल लो आवर को आप यहाँ पर क्या कर लो तो दिन में, में मेरे भाई लिख लो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है कोई परेशानी की बात नहीं है तो समझ में आ गया मेरी बातों को लेकर यहाँ पे कि कैसे था क्वेश्चन में था क्या मेरे भाई यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर ये यह दस दिन हो गया ये बीस दिन हो गया मैं एग्जांपल आपको मान के चल रहा हूँ और दिन में आप कंफ्यूज मत हो कंसेप्ट को समझो यहाँ पे ठीक है या फिर ठीक है या फिर अगर आप आवर उसको लिखना चाहते हो तो आप जहाँ जहाँ यहाँ दिन लिखे हो वहाँ वहाँ पर आवर शब्द बदल लो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे दो घंटे में सर दो घंटे में कितना काम हुआ है तो दो घंटे में एक यूनिट काम हुआ है तो यहाँ पर छत्तीस घंटे में इतना काम एक घंटे में इतना काम सैंतीस घंटे में पूरा काम फाइनल है तो लोगों की यही परेशानी होती है वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई मार देते हैं और मल्टीप्लाई मार देते हैं तो बाद में भुगत बन जाते हैं अब उसके बाद यहाँ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फिर से मेरे भाई मैंने क्या किया है इतना तो आपको पता ही है क्या होगा अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है वो क्या होगा एक दिन ये काम एक घंटे ये काम करेगा एक घंटे ये

यानी कुल मिलाकर 36 घंटे में हमने कितना काम किया तो 36 घंटे में हमने 18 यूनिट काम किया अब हम एक घंटा और कार्य करेंगे और वो एक घंटा में किसे बुलाएंगे तो एक हो तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसे मानो कि सैंतीस घंटे में काम होगा कितना तो बीस अब बोलोगे सर सैंतीस अगर सही था तो चालीस गलत कैसे हो गया चालीस गलत नहीं है चालीस भी सही है अब मैं बताता हूँ चालीस कैसे सही है समझो अब यहाँ पर सैंतीस घंटे काम हो गया फिर तुम एक घंटे कार्य और करवाओ अब आएगा मेरे भाई बी माइनस वन कार्य करके चला जाएगा फिर तुम एक घंटे और करवाओ फिर आएगा तुम्हारा ए कार्य करके चला जाएगा फिर एक घंटे तुम और करवाओ फिर यहाँ पर ये आएगा और माइनस करके चला जाएगा ठीक है ए आ गया था फिर बी आएगा फिर ए आ गया था फिर बी आएगा और अगले यहाँ पर फिर से देखो सैंतीस जमा तीन तो यहाँ चालीस हो जाएगा और बीस में से मेरे भाई ये देखो यहाँ सारे खत्म फिर से बीस हो जाएगा यानी कार्य दो बार कंप्लीट होता है एक बार सैंतीसवें घंटे पर कंप्लीट और एक बार 40वें घंटे पे कंप्लीट होता है। कभी भी एग्जाम कि पहली बार कार्य कब खत्म हुआ था तो पहली बार कार्य मेरे भाई यहां 37 घंटे में खत्म हुआ था इसीलिए तो इस इस और तब हम उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं इसीलिए हम कभी भी डायरेक्ट यहां पर मेरे भाई बीस के करीब में नहीं पहुंचते बीस माइनस यानी अठारह के करीब में पहुंचते हैं पॉजिटिव वाले को माइनस कर दो और उसके करीब में पहुंचो ये हमारा मेरे भाई ध्यान रहता है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे ठीक है तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो ये नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि नीचे वाले की आवश्यकता हमें नहीं है अब आ जाइए ये, ये वाला सवाल देखिए बंदर वाला सवाल इसमें हमारा क्या कहा गया है तो इसमें बड़ा प्यार तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर पहली बार में देखो वो पाँच मीटर जो है यहाँ पे बढ़िया तरीके से कहा गया कि पहली बार में वो पाँच मीटर चढ़ता है अगले मिनट में वो तीन मीटर खसकता है फिर वो पाँच मीटर मेरे भाई चढ़ता है और फिर वो तीन मीटर खसकता है और ये कहानी जारी रहती है तो जारी रहती है तो एक मिनट और एक मिनट यानी दो मिनट में उसने कितना मेरे भाई तो बोलोगे सर दो मिनट में देखो कितना गया फाइव माइनस थ्री यानी दो मिनट में हम कितना गए तो दो मीटर गए दो मिनट में हम कितना गए तो दो मीटर गए फिर से मैं कह रहा हूं पर दो मिनट में, तो में, में जाना है तो टोटल वर्क आपका सौ है उसमें से पॉजिटिव हमारा पाँच है क्योंकि आप पाँच यहाँ चढ़ रहे हैं तो आप यहाँ तीन उतर रहे हैं तो पाँच में सौ में से पाँच आप घटा दीजिए नाइन्टीव तो आपको यही संख्या कितने करीब में लेके जाना है तो नाइन्टी के करीब में लेके जाना है ठीक है कितने करीब में लेके जाना है तो 95 के करीब में लेके जाना है तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए इसको अगर हम 47 से गुना करते हैं तो यहाँ भी ये फोर्टी सेवन से गुना हो जाएगा सर अच्छा कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं दो मिनट को दो मीटर मान लेते हैं तो एक मिनट को एक मान लेंगे तो 100 मिनट को 100 मान के आंसर दे देंगे ऐसी गलती मत करना फर्जी तरीका होता है ऐसे नहीं कि दो मिनट का दो है तो एक का एक होगा तो यहाँ सौ जाना है तो यहाँ सौ का सौ आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं गलत तरीक़ा ऐसे नहीं अप्रोच हम करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या कहा तो हमने यहाँ पर कहा दो मिनट में दो मीटर 47 से मल्टीप्लाई करो तो एकदम फूक फूक के आगे बढ़ो एकदम तो बोलोगे सर 94 फोर मिनट हो चुका है और 94 मिनट में वो बंदरवा कितना गया है तो 94 मिनट में वो 94 मीटर चढ़ चुका है अब अगले मीटर की कहानी क्या होगी तो अगला एक मिनट में फिर वो बंदरवा कितना चढ़ेगा तो फिर वो बंदरवा सर पाँच मीटर और चढ़ेगा यानी सर कुल मिला के कितना हो गया तो नाइन्टी मिनट हो गया है सर और नाइन्टी मिनट में बंदरवा नाइन्टी मीटर चढ़ गया है लेकिन अगली बार क्या होता है सर अगली बार फिर हम एक मिनट उसको और चढ़ाते हैं तो अब एक मिनट वो क्या करेगा अब वो चढ़ेगा कि उतरेगा चढ़ चुका है तो चढ़ चुका है तो अब मेरे भाई वो उतरेगा उसकी उतरने की बारी है तो बोलोगे सर 96 मिनट हो गया और 96 मिनट में यहाँ पर जो है वो कितना चढ़ गया तो 96 आप डायरेक्ट 96 आप ऐसे भी पहुँच सकते थे कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप 47 से ना मल्टीप्लाई करके 48 से मल्टीप्लाई कर लेते तब भी कोई परेशानी नहीं होती बस ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए था कि एक एक करके हम कैसे बढ़ते हैं चढ़ाते हैं घटाते हैं चढ़ाते हैं घटाते हैं तो हमें यहाँ पर बस उसके करीब में पहुँचना होता है यहाँ पर ठीक है तो मेरा बस एक कंसर्न है आपसे और ये कंसर्न क्या है बस प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा कि जो भी टोटल वर्क होता है उसमें से मेरे भाई आप पांच को घटाओ यानी 95 तो आपको 95 के करीब में पहुंचना होता है थोड़ा बहुत ज्यादा आप ले सकते हैं तो आप यहां पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो इसको हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा तो 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर तो हो जाएगा तो यहाँ क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर 96 मिनट है और 96 मिनट में हम कितना गए हैं तो 96 मीटर गए हैं कितना गए हैं तो 96 मीटर अब मेरे भाई छानबे मिनट हो गए छानबे मीटर आप चढ़ गए तो 96 सिक्स यहाँ लिख लो अब अगली बारी किसकी है बताओ अब मुझे बताओ यहाँ पर अब क्या होगा तो अब फिर एक मिनट और होगा और बंदर चढ़ेगा ठीक है 100 मीटर का पोल था वो चढ़ कितना गया है तो 96 यानी जो कार्य बाकी होता है उसे कहाँ लिखेंगे ऊपर तो 100 में से 96 घटा दो यानी चार बाकी है तो वो चार कहाँ रहेगा तो ऊपर रहेगा वो चार कहाँ रहेगा तो ऊपर रहेगा वो चार कहाँ रहेगा तो ऊपर रहेगा और अगला चढ़ कितना सकता है तो अगला चढ़ सकता है मेरे भाई पाँच तो वो पाँच को नीचे लेकर आओ ये मेरे भाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा समझ में आ रहा है बात यहाँ पे क्लियर है ये बात तो इसको 48 से गुना किया 48 से 96 मीटर में इतना तो इतना हो गया बचा हुआ काम कितना है तो बचा हुआ काम मेरे भाई चार है और अगला कर कितना सकता है तो पाँच है नहीं आंसर हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ड्रंकर वाला केस देखो पियक्कड़ वाला केस देखो तो पियक्कड़ की भी कहानी ऐसी है कि उसको जाना कितना है 200 मीटर जाना है अगर हम अल्टरनेट में देखें तो वो मेरे भाई 10 मीटर चलता है तो 5 मीटर खासकता है फिर वो दस मीटर चलता है तो पाँच मीटर मेरे भाई खिसकता है तो हम यहाँ किस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर एक मिनट और एक मिनट यानी कुल मिलाकर दो मिनट और दो मिनट में मेरे भाई वो चला कितना है टेन माइनस फाइव यानी पाँच मीटर चला है दो मीटर में चला कितना है तो पाँच मीटर अब कभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सीधा पाँच को मेरे भाई गुना करेंगे चालीस से दो सौ आ जाएगा और इसको गुना करेंगे नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा हम हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव कार्य ये हमारा तरीका है ठीक है एक बच्चा कह रहा है सौ में से पांच क्यों माइनस कर रहे हैं सर अरे यार मतलब मैं तुम्हें वही बात समझा रहा हूं कि बस जब एक पॉजिटिव काम करे एक नेगेटिव काम करे तो सबसे आसान तरीका जो सवाल को बनाने का होता है वो ये होता है कि जो भी टोटल वर्क है उसमें से इसको माइनस करो और मन में बिठा के चलो कि मुझे उसके करीब में पहुंचना है उसके करीब में जब पहुंच जाएंगे फिर अगले दिन जो पॉजिटिव वाला है उसको बुला के काम जल्दी करवा लेंगे आप लोग पूछ रहे हो ना कि मैं क्यों पॉजिटिव वाले को माइनस कर रहा हूं मैं इसीलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं जैसे बीस में से मैंने दो माइनस कर दिया मानो तो मैं ये मान के चल रहा था कि मुझे इतना ही काम काम करवाना है ताकि अगले दिन बुलाऊंगा सिर्फ पॉजिटिव वाला आएगा और वो अपना का करके चला जाएगा नेगेटिव वाले को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसीलिए मैं अपने मन में 20 नहीं, 20 को चल रहा हूं। तो उसी तरीके से समझो इस बात को लेकर ठीक है यहाँ पर पॉजिटिव वाला कौन है दस है नेगेटिव वाला कौन है पांच है दो सौ में से दस यानी एक सौ नब्बे को अपने मन में लेके चलूंगा कितना चलूंगा एक सौ नब्बे मीटर तो मुझे कितना जाना है एक सौ नब्बे मीटर तो यहाँ पर मेरे भाई बताओ पाँच को किससे गुना करूंगा कि एक सौ नब्बे आएगा तो इसको भाग करो देखो पांच का यहाँ पर तीन गुना कितना होगा पंद्रह और चालीस यानी आठ गुना मेरे भाई तो पांच को अड़तीस से गुना करेंगे तो कितना आएगा एक सौ नब्बे आएगा और यहाँ पर दो को मेरे भाई अड़तीस से गुना करेंगे तो कितना आएगा सेवनटी सिक्स आ जाएगा भाई मैं जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉइंट आपको ना समझ में और हम आगे बढ़ जाए कभी भी ऐसा नहीं होता अब क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात क्यों हम पॉजिटिव वाले को माइनस करके चलते हैं क्योंकि अगले दिन हमारा टारगेट होता है सिर्फ हमें पॉजिटिव वाले को बुलाना है काम करवाना है मामला खत्म ठीक है तो अब यहां पर मुझे बताओ यहाँ पे इसको से गुना किया इतना हो गया अब 76 मिनट में इतना काम हो गया अगला मिनट बुलाएंगे सिर्फ पॉजिटिव वाले को बुलाएंगे 10 मीटर मेरे भाई वो चलेगा यहाँ पे और उसके बाद क्या होगा तो फिर उसके बाद जाके वो गड्ढे में गिर जाएगा यहाँ पे बस मेरे भाई यानी टोटल यहाँ पर क्या होगा तो सेवनटी मिनट सेवेंटी मिनट में वो दो मीटर के गड्ढे में जाके गिर जाएगा खेल खत्म तो आंसर कितना होगा सेवनटी मिनट एक बच्चा कह रहा है ए बी सी तीन लोग दिए गए हों तब मेरे भाई तब भी करवाएंगे टेंशन का ले रहे हो यहाँ पे ठीक है इसमें तीन लोगों का केस बनता ही नहीं है फिलहाल एक ही व्यक्ति का हमेशा केस दिया गया रहता है इतना बढ़ता है इतना कम होता है इतना बढ़ता है इतना कम होता है बाकी अल्टरनेट में अगर तीन लोगों का केस है तो अभी तो हमने क्वेश्चन अभी रोक दिया है होल्ड पे रखा है अभी तो हम ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे जो भी क्वेश्चन हमने रखे हैं अभी तो फिलहाल हम आपको सिर्फ अपना वो क्वेश्चन करवा रहे थे जो मुझे इच्छा थी करवाने की जो मैं चाहता था कि हमारे बच्चे सीखें क्योंकि ऐसे सवाल ऐसे होते हैं मेरे भाई ठीक है होते तो बड़े सिंपल है समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो उम्मीद करते हैं ये तीन टाइप जो कि हमारे दिमाग की उपज थी जो हम कोशिश कर रहे थे जो मेरे माइंड में चल रहा था समझाने की वो हम समझा पाए आपको ठीक है हमेशा पॉजिटिव नहीं जाते हैं यहाँ पे टोटल वर्ग के बराबर नहीं जाते इसमें से घटा के उसके करीब में पहुंचते हैं इसमें से घटा के उसके करीब में पहुँचते हैं कि अगले दिन पॉजिटिव वाले को बुला के अपना काम करवा लेंगे ठीक है समझ में आ गया तो एक बार दोबारा से ये तीनों पार्ट को देख लीजिएगा और उसके बाद मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिएगा ठीक है चलिए तो खुश रहिए मस्त रहिए आज के लिए इतना काफ़ी है बाकी मेरे भाई बाकी सवालों को करेंगे हम लोग कल ठीक है चलिए एंजॉय करिए बढ़िया से सेशन को और ध्यान रखिए अपना ठीक है भाई लव यू ऑल टेक केयर बाय बढ़िया से पढ़ाई करिएगा सभी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा जितना भी हम करवाए थे ठीक है एक बार दोबारा से जरूरत पड़ी वीडियो को तो दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा ठीक है ध्यान रखिए इसमें गलतियाँ होती हैं आपको गलती नहीं करनी है नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हमारे सिखाने का ठीक है भाई चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में आज के लिए इतना ही धन्यवाद